खानपुर थाना अंतर्गत दिमनपुर से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस चोरी की घटना सामने आई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गाड़ी मालिक का कहना है कि रात को लगभग 2 बजे के बीच में मोटरसाइकिल चोरी हुई है। वहीं पीड़ित का ये भी कहना है कि थाना प्रभारी विजय शंकर शाह को आवेदन के साथ जानकारी दे दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर इस गांव में काफी लंबे समय से साइकिल की चोरी होती रही है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसकी जानकारी आगे प्रशासन को नहीं दी। लेकिन आज हमारे गांव में काम करने वाले व्यक्ति जो कि बिजली की रीडिंग करते हैं, उनकी बाइक चोरी हुई है। रात में कितने बजे बाइक चोरी हुई? बाइक चोरी हुई करीब 2 बजे के करीब, जब उठे थे सोकर के तभी तो लगा हुआ था। उसके बाद जब सुबह में उठे तो फिर गाड़ी नहीं थी। खोजबीन किया गया लेकिन अभी तक कोई इसका पता नहीं चला। शाम 6 बजे में घर 22 तारीख को यहाँ लगाए हुए थे। कहाँ पे लगाए हुए थे? यही जगह है वो जहाँ पे लगाए हुए थे। और जब वैसे ही हर रोज लगाया करते थे, कोई पहला दिन वो नहीं था, दरवाजा था। और जब हमने रात में 2 बजे उठा तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, जब वहाँ गाड़ी था। और जब उसके बाद सोने गए, सुबह में उठे तो गाड़ी वहाँ नहीं था, तो काफ़ी खोजबीन हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद फिर गए तो थाना पर आवेदन दिए थाना अध्यक्ष जी को। तो क्या थाना अध्यक्ष ने क्या रिस्पांस लिया इस विषय में? उन्होंने बस यही कहा कि जब हम लोग उसका देख रेख करेंगे, जब यथाशीघ्र हो सके उसका कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार चौधरी हुआ। कौन सा पंचायत हुआ ये? दिमनपुर दक्षिणी बरागामा वार्ड। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।